नमस्कार दोस्तों, नवरात्र की ढेर सारी बधाई आप सभी नगरवासियों को। आइए हम आपको बताते हैं, इस समय हम जीरा बस्ती में हैं। परिवहन विभाग का वर्कशॉप, ये पीछे जो आप शिलापट देख रहे हैं, 12 दिसंबर 1990 यानी आज से 23 साल पहले ये शिलापट लगा। किसके कर कमलों द्वारा लगा है अभी आपको हम बताना चाहेंगे। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के हाथों ये शिलापट लगा हुआ था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उस समय इस वर्कशॉप का आधारशिला रखी गई, फिर यह वर्कशॉप बनकर तैयार हुआ, फिर वर्कशॉप काम करने लगा। बलिया डिपो की सारी बसें यहाँ होती हैं, इसके अलावा और भी जनपदों की जो बसें आती हैं यहीं उसकी मेंटेनेंस होती है। फिर यहाँ से बस तैयार होकर डिपो के लिए रवाना होती है, यानी बलिया डिपो के लिए। आज 27 मार्च है और 27 मार्च को वर्कशॉप के कायाकल्प के लिए, विकास के लिए, बेहतर के लिए, सुंदर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह यहाँ मौजूद हैं। उनके कर कमलों द्वारा आज इसका शिलान्यास हो रहा है, इसका जीर्णोद्धार होगा, बेहतर होगा, सुंदर होगा, इसकी हाइट बढ़ेगी यानी ऊंचाई बढ़ेगी, सड़क से थोड़ा ऊंचा होगा, बाउंड्री वाल भी सुंदर होगा, और भी जो समस्याएं हैं करीब उसको भी बेहतर किया जाएगा। यानी करोड़ों की लागत से यह वर्कशॉप बनकर बहुत ही सुंदर और आकर्षण का केंद्र होगा। करीब देखा जा रहा है कि आज इस शुभ अवसर पर करीब एक दर्जन बसें इसी डिपो से रवाना हुई विभिन्न जनपदों के लिए। उसमें बलिया डिपो की भी बसें थीं, नई बसें थीं। वह परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के कर कमलों द्वारा उन्होंने हरी झंडी दिखाया, बसें यहां से एक एक करके अन्य जनपदों के लिए रवाना हुई। हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कई सौ बसों को हरी झंडी देके विभिन्न जनपदों के लिए रवाना किया था। कुछ बसें पूर्वांचल के जनपदों को मिली, बलिया को भी मिली, वह बसें आज यहां से परिवहन मंत्री के हाथों रवाना हुई। आज इस कैंपस में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री के साथ जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू भी हैं, पूर्व विधायक भगवान पाठक भी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय बहादुर जी भी देखे जा रहे हैं, प्रदीप सिंह भी देखे जा रहे हैं, राजेश गुप्ता, अरुण सिंह बंटू, पीयूष चौबे और भी लोग, तमाम लोग इस कार्यक्रम में हैं। जो ही महिला मोर्चा की भी अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। और आज का ये दृश्य, आज नवरात्र का ये दिन बड़ा ही प्यारा दिन है, सुंदर दिन है, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बलिया का रोडवेज बेहतर होगा, सुंदर होगा, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि ये घोषणा और भी परिवहन मंत्री ने किया है कि बलिया का रोडवेज एयरपोर्ट की तर्ज पे बनेगा। कब बनेगा ये तो वक्त की बात है, लेकिन उनका प्रयास है कि बलिया का रोडवेज देखने लायक हो, सुंदर हो, आकर्षण का केंद्र हो। पूर्वांचल का जाना माना ये एयरपोर्ट की तर्ज पर बलिया का रोडवेज होगा। ऐसे में तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर जिसको लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह परिवहन विभाग के मंत्री हैं, इसलिए परिवहन के क्षेत्र में बलिया बेहतर हो उसके लिए प्रयासरत हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।